हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? कल जो मैंने क्विज दिया था उसमें जो सबसे पहले आंसर दिया अगेन वेदिका लाकरे फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड सेकंड नंबर पे आंसर दिया किरण नायक फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, एंड बेटा दिया एक परमजीत कौर, आपने भी आंसर बिल्कुल ठीक दिया है लेकिन आपने थोड़ा सा लेट दिया। एंड दिया बेटा आप ध्यान देना, आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों क्वेश्चन रॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन वॉज वाई स्क्वायर प्लस टू वाई के जीरोज निकालने हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे लाइक दिस, वाई कॉमन लेंगे, वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अब या तो वाई जीरो है, इधर वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड वाई विल बी इक्वल टू माइनस टू और यहां पर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो दो आंसर आएंगे। आपको ये याद रखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री टू है। तो इसका मतलब आंसर्स दो आएंगे, एक नहीं आ सकता। कई बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू वाई, वाई से y कट गया, y माइनस टू। नो, बिल्कुल रॉन्ग, ये करेक्ट मेथड नहीं है। आपको ऐसे करना है, y से y हम नहीं काटेंगे। ठीक है, हम वेरिएबल को नहीं काटते ऐसे। हमारे आंसर दो आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के आंसर दो आएंगे, क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री टू है, तो दो रूट्स हैं उसके। ओके, और दूसरी बात, आपका थर्ड आंसर भी रॉन्ग है। आप थर्ड वाला दोबारा करो, अगर नहीं आता समझ तो लेट मी नो, आई विल टेल यू। ओके दिया, ठीक है। और आज का क्विज है दीज थ्री क्वेश्चंस। ओके, तो तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों।